मुर्दे को कब्रस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित चित लिटाते हैं ना, सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है पैर इधर है तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मुझे दिखाइए आप कहां है, आपके इलाके के किसी मौलवी ने आपको बताया है? जबकि सुन्नत यह है कि मैयत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित हैं और मुंह इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर, ये और तकलीफ दे चीज। चित लिटाते गलत है ये तरीका, गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो डंके की चोट पे कहता हूं, मैयत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो आप हमें दे दें, और नहीं तो मेरे पास दलील है। मैयत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप दीवार से चिपकाएंगे, क्योंकि जब दाहिनी करवट से आप लिटाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। आपको मिट्टी के दो तीन ढेले उसके पीछे रखना पड़ेंगे ताकि वो टिक जाए, और ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वाली दीवार से जो कब्र खुदी हुई है उसको आप इस दीवार से चिपका दीजिए और उसको पूरा का पूरा दाहिनी करवट से लिटाइए, उसके बाद पटरे रख के आप उसके बाद मिट्टी दें। ये तरीका सुन्नत है, ये तरीका शरीयत से साबित है, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो साबित है वो नहीं करेंगे, और जो साबित नहीं है उसको करने पर आप अपने इमाम को और अपने आलिम को मजबूर करेंगे। क्यों? मेरे बाप दादा जो करते चले आए हैं वही हम करेंगे, हम में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा, कब्र में उतरते वक्त उतारते वक्त उसको दाहिनी करवट से, और सुनिए, उसकी चारपाई को सामने नहीं रखा जाएगा कब्र के, उसकी चारपाई को मैयत के पाए तापे पर कब्र के इस साइड में रखा जाएगा, और जब उस मैयत को लाया जाएगा लोग उठाएंगे तो उसको पैतापे की तरफ से पैर की तरफ से लाएंगे, और इस तरीके से जैसे ये कब्र खुदी हुई है, ये कब्र खुदी हुई है, आप उसको ऐसे लाएंगे ऐसे, और फिर उसका सर यहां करेंगे और पैर उसके यहां करेंगे, और यहां से लाएंगे उसको, सामने से नहीं लाया जाएगा। सुनिए तरीका, या तो उठाया और दे दिया ले उतार लीजिए, नहीं, मैयत को इस तरफ रखेंगे और वहां से उसकी बॉडी को उठाकर ऐसे लाया जाएगा, उसका सर इधर होगा पैर इधर होंगे, और इस तरीके से लाया जाएगा, इस तरीके से, और यहां सर और यहां पैर रखा जाएगा, और उसके बाद उसको दाहिनी राइट साइड दाहिनी करवट से उसको लिटाकर दीवार से चिपकाकर पटरे रखकर मिट्टी दी जाएगी। यह है तरीका। अब कल जानते हो चाय की होटलों पे बातें होंगी, ये मौलवी एक और फितना खड़ा कर रहा है, ये नया आ गया है, नई बात बता गया, आज तक किसी को अभी तक तो चित ही लिटाते आए हैं। अरे आप क्या लिटाते आए हो, हमने भी लिटाए हैं, और जब नहीं मालूम था नहीं मालूम था, लेकिन जब इल्म हो गया तो जिद और बहस नहीं, जब दलील आ गई आमन्ना सब तकना, जब नबी से साबित तो वहां एक बात आपकी नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। यही तो शरीयत है, यही तो शरीयत है। आदमी अपनी गलती को तस्लीम कर ले और शरीयत पर जम जाए, यही तो शरीयत है। आपको मालूम है,